क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव यदि होंगे तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और यदि पोलिंग बूथ पे कब्जा होगा तो जिसकी सरकार है वो जीतेगी। तो ये चुनाव में चुनाव आयोग ने कहा था कि हर पोलिंग बूथ पे हम सेंट्रल फोर्स लगाएंगे, पर सेंट्रल फोर्स लगाया नहीं और हम लोगों को मुगालते में रखा, और उसका फ़ायदा टीएमसी ने उठाया। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने, टीएमसी के गुंस ने और पुलिस ने, तीनों ने मिलकर पोलिंग बूथ पर कब्जा किया, और इसके कारण ये परिणाम आना थे। तो अगर ईमानदारी से चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और पोलिंग बूथ पे कब्जा होगा तो जिसकी सरकार होगी वही जीतेगा। और इसका असर कुछ 2021 के इलेक्शन में करने का चांसेस है? बिल्कुल नहीं। 2021 के चुनाव तक ममता जी का चेहरा भी बेनकाब हो जाएगा, और हम चुनाव आयोग से सेंट्रल फोर्स हर पोलिंग बूथ पे लगे इसका आग्रह करेंगे।